Explanation of water purification methods. Assalamu alaikum, students. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's topic is water purification methods. Kya hai? क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम पानी को साफ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं अगर हम इस डायग्राम की तरफ़ देखें तो इसमें एक प्रोसेस दिखाया गया हुआ है कि किस तरह वाटर सप्लाई हो रहा है रिवर्स से हम ले रहे हैं वाटर और उसको किन किन प्रोसीजर से गुजार कर हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं सबसे पहले वाटर इनटेक है यानी कि सोर्स है वाटर का जहाँ से रॉ वाटर हम ले रहे हैं उस वाटर को कॉगलेशन के प्रोसेस से गुजारा जा रहा है कोगलेशन का प्रोसेस आ, क्या है इसमें से सॉलिड वेस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस पानी में से रॉ पानी में से अलग कर दिए जाते हैं इस प्रोसीजर में फिर उसमें से नेक्स्ट एक कंटेनर से गुजारा जाता है जिसमें सेडिमेंट्स वो अलग होकर नीचे पानी में बैठ जाते हैं नेक्स्ट और उसको बाहर निकाल देते हैं उन सेडिमेंट्स को फिर वो जो साफ़ पानी है वो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक से गुजरता है फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर लगे हुए होते हैं वो पानी में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन यानी उसमें कितने जरासीम मौजूद हैं उसको उनको किल किया जाता है और फिर वो पानी एक स्टोरेज हाउस में पहुंचता है जहाँ से हम मुख्तलिफ इस्तेमाल में उस पानी को ले के आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि ये मेथड्स क्या हैं प्योरीफिकेशन के इन डिटेल तो इन मैथड्स में कुछ मैथड्स हैं जैसे बॉयलिंग है फिल्ट्रेशन है क्लोरीनेशन है डिसइंफेक्शन बाय सोलर रेडिएशन है फिर उसके बाद वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं और डिस्टिलेशन मेथड है इन्हीं मेथड्स को आज हम आ, डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग बॉइलिंग क्या है बॉइलिंग एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें रॉ पानी को या कंटेमिनेटेड पानी को गंदा आलूदा पानी को हम हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते हैं उस हीट से क्या होता है कि उस पानी के अंदर जितने जरासीम मौजूद हैं या बैक्टीरिया या पैरासाइट्स मौजूद हैं वो किल हो जाते हैं और उस पानी को फिर हम आम इस्तेमाल में लेके आते हैं पीने के इस्तेमाल में या खाने पकाने के इस्तेमाल में लेके आते हैं जैसे घरों में हम आ, पानी हमारे घरों में आता है उस पानी को बॉयल करके ही हमें पीने के लिए ख़ास तौर पर यूज़ करना चाहिए सेकेंड प्रोसीजर जो वाटर प्योरीफिकेशन का है वो फ़िल्ट्रेशन है फ़िल्टर्स क्या हैं इसमें पानी में से इम्प्योरिटीज़ एक साइड पर रह जाती हैं और साफ पानी अलग हो जाता है ये फ़िल्टर्स एक कपड़ा जो घरों में हम आ, मलमल का कपड़ा जिसे कहा जाता है उस कपड़े के ऊपर हम पानी डालते हैं साफ़ पानी नीचे आ जाता है और ऊपर मिनरल्स जो है वो रह जाते हैं इसके अलावा सेंड को भी एस फिल्टर यूज़ किया जाता है या फिर बड़े पैमाने पर हम बात करें तो वाटर फिल्टर्स होते हैं जो घरों में भी लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर भी लगे हुए हैं नेक्स्ट मेथड जो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्लोरीनेशन का प्रोसेस है क्लोरीनेशन में क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो पानी में ऐड की जाती है आमतौर तो पर पब्लिक सप्लाई का जो पानी है ट्यूबवेल्स वगैरह में क्लोरीन ऐड की जाती है ख़ासतौर तो पर मौसम गर्मा में जिसमें समर्स में, में जहाँ पे बैक्टीरिया या पैरासाइट्स ज़्यादा जरासिम को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्लोरीन गैस आम तौर तो पर आपने देखा होगा अक्सर नोट किया होगा ये चीज़ गर्मियों के सीज़न में हम अगर देखें आपने नोट किया हो ऑब्ज़र्व किया हो तो क्लोरीन आपको पानी में ऐड हुई हुई कैसे पता चलता है हम देखते हैं कि आमतौर पर जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में उसका कलर कोई नहीं होता वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन टाइम्स हमें पानी येलोइश कलर का नज़र आता है और उसमें से एक ख़ास स्मेल हमें आती है पंचन तेज़ से स्मेल आती है वो इस वजह से होती है कि उसमें क्लोरीन जो है वो पब्लिक सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि ट्यूबवेल्स वगैरह में ऐड कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से होता है ताकि उस पानी के अंदर जितने जरासीम या बैक्टीरिया मौजूद हैं वो किल हो जाए और वो पानी हार्मफुल ना रहे इस्तेमाल के लिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्योरिफिकेशन का मेथड है सोलर डिसइंफेक्शन उसमें क्या होता है सोलर आपको पता है सूरज की शुआओं के ज़रिए हम पानी को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं उसमें ग्लास बॉटल्स या प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ की जाती हैं पानी उसके अंदर भर दिया जाता है आम पानी जिसको हमने प्योरीफाई करना है डिसिनफेक्ट करना है उस पानी की बोतल बोतल को सन रेज़ में रख दिया जाता है एटलीस्ट फॉर सिक्स आवर्स छः घंटे के लिए उसको रख देते हैं बिल्कुल सूरज की रोशनी में सूरज की तेज़ छाएँ यू वी रेज जो हैं वो इसमें मौजूद माइक्रो आर्गनज़म्स को किल कर देती हैं और फिर ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक और मेथड जो पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स हैं और ये टैबलेट्स पानी के सोर्स में पानी जो सप्लाई हो रहा है उसमें डाल दी जाती हैं इन टैबलेट्स में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जैसे क्लोरीन या आयोडीन ये दोनों केमिकल्स उस पानी में जो कंटामिनेटेड वाटर है जो रॉ वाटर है उस पानी में मौजूद इम्प्योरिटीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बैक्टेरियाज़ को किल कर देते हैं और जब ये ख़त्म हो जाते हैं उस पानी से तो वो पानी यूज़ के काबिल हो जाता है नेक्स्ट जो इसका प्यूरिफिकेशन uh, का मेथड है वो डिस्टिलेशन है डिस्टिलेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू बाकी मेथड्स के इसमें पानी को हीट किया जाता है इतना कि वो स्टीम में चेंज हो जाता है उस स्टीम को एक कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए एक पैसेज बनाया जाता है ड्यूरिंग दैट पैसेज जब वो पानी वो स्टीम की सूरत में उस जगह से गुजरता है कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और वो स्टीम्ड वाटर यानी वो पानी की स्टीम जो है वो अगेन ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है और उस चेंजिंग को जो पानी हमने रॉ पानी लिया उसको स्टीम में चेंज किया स्टीम में चेंज करके दोबारा हमने लिक्विड फॉर्म में उसको कलेक्ट किया तो उस वक्त वो पानी प्योरीफाइड हो चुका होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं अगर आप इस डायग्राम में देखें तो उन्होंने क्लियरली ये शो किया हुआ है कि पानी को हमने हीट किया है बर्नर में रॉ वाटर है इसके अंदर उस पानी को वेपर में चेंज कर लिया यानी स्टीम बन गई वो स्टीम एक टनल से एक पैसेज से गुजरते हुए उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन में दोबारा यानी गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है पानी उसको कलेक्ट कर रहे हैं और वो पानी प्योरीफाइड है यानी उसको ड्रिंकिंग के लिए या अदर पर्पजस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं होपफुली आपको समझ आया होगा कि किस तरह एक कंटामिनेटेड वाटर को या रॉ वाटर को जिसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं उसको किस तरह हम अपने पीने के काबिल बना सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के बाद होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा अल्लाह हाफ़िज़